नमस्कार, मैं कैथल ब्रेकिंग टीवी से सुरेंद्र बौल और आज हम मौजूद हैं आईजी कॉलेज में। जागरूक नारी शक्ति हमारी, महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक के लिए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा पूरे हरियाणा में विभिन्न शहरों में से होते हुए गुजरेगी, जहां पर जागृति यात्रा हमारे माननीय श्री डीजी श्रीमान पीके अग्रवाल जी जो हरियाणा के डीजीपी हैं, श्रीमती कला रामचंद्रन जी जो कि एडीजीपी हैं, हमारे दोनों उच्च अधिकारियों के प्रयास से ये जागृति यात्रा 15 नवंबर को पंचकुला से निकाली गई थी, जिसमें सभी महिला पुलिस इसमें भाग ले रही हैं। 15 की टीम है और इस जागृति यात्रा का उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि हम उन महिलाओं को, उन बच्चों को जिनको अपने बारे में ये नहीं पता कि उनके साथ जब भी कोई गलत घटना होती है तो वो कहाँ पर आवाज़ उठाए, कहाँ पर अपनी शिकायत को दर्ज करें और कहाँ से वो न्याय की मांग करें, तो उन सभी के लिए, उन बच्चों और महिलाओं के लिए जो भी हेल्पलाइन नंबर बनी है, जो ऐप बने हैं, जैसे दुर्गा शक्ति ऐप है, 1091 है, 1098 और 112 जो कि पुलिस की इमरजेंसी कॉल नंबर है, और CWC प्रोटेक्शन ऑफिसर और वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आज तक भी समाज में रहने वाली महिलाओं को और बच्चों को नहीं पता कि हरियाणा सरकार ने उनके लिए कितनी स्कीम खोली हुई है, उनके फ़ायदे के लिए, उनके विकास के लिए। तो उन सभी बातों का हम रूबरू होकर पब्लिक को, उन महिलाओं को, बच्चों को ये सारा संदेश देते हैं और उनकी सुरक्षा के जो महत्वपूर्ण बातें वो उनको बताकर जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, महिला वैसे तो क्योंकि आजकल की गाँव की दूरदराज की भी लड़कियाँ जिनके स्कूल में, जिनके गाँव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वो फिर भी पढ़ने के लिए प्रेरित हैं, पढ़ भी रही हैं, लेकिन उन बच्चों को अपने सुरक्षा के उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पता था। जैसे हम गाँव में गए हैं तो वो बड़े खुश हुए कि हमने उनको बहुत सी बातें बताई, तो जब हमने उनका रिस्पॉन्स मांगा तो उनका यही था कि काश आप पहले आ जाते तो हमारी माँ जो इस तरह के जो सहती आ रही थी तो वो ना सहती। देखिए, इस तरह की जो जागृति यात्रा निकालने का उद्देश्य यही है कि ऐसी महिलाओं को और बच्चों को जागरूक करें, और जिनको नहीं पता था, शायद मुझे लगता है कि इस जागृति यात्रा के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का कोई भी ज़िला या कोई भी गांव जागरूक ना हुआ हो। ये आज हमारा 22वां ज़िला है जो कि आज हमारा लास्ट ज़िला यही है, और फिर उसके बाद हम कल अम्बाला जाएंगे जो कि अम्बाला में हमने पहले ये जागृति यात्रा अपना संदेश देकर आ चुकी थी, और 10 दिसंबर को इस जागृति यात्रा का समापन पंचकुला में ही होगा। आज नारी बहुत सशक्त है, इसी को पुलिस, महिला पुलिस जो है हमारी, साबित करना चाहती है। वो जीन से चली हैं ये रैली लेकर, और हमें बहुत गर्व है उस पर कि जो ये इतना, पहले तो हम ये देखते रहे हैं कि पुरुष प्रधान रहा है हमारा समाज, लेकिन आज नारी हर तरीके से आगे है और आज महिलाएं बहुत सशक्त रूप से आगे बढ़ रही हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग आई हैं यहाँ पर। हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से, हमारे प्रांगण में है, महिला कॉलेज है हमारा, तो हमारे बच्चों को ये प्रेरित करती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।